हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी 5 ईयर्स ओल्ड बेबी गर्ल्स प्लीटेड फ्रॉक्स कटिंग और स्टिचिंग। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़े को हम लोग 4 फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से जो हम लोग का लेंथ है वो 10 है, लेकिन हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्किंग के लिए। और ऊपर से जो शोल्डर का पार्ट होगा वो हम लोग 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और आर्म होल का पार्ट भी हम लोग 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। चेस्ट जो है वो 24 है और कमर जो है वो 20 है। चेस्ट जो था वो 24 था, तो उसे अगर 4 से डिवाइड करें तो वो 6 आएगा। उससे भी हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो यहाँ पर 8 पे मार्किंग करती हूँ। ऊपर से मैं इसे फिर से 11 इंच पे मार्किंग कर लेती हूँ और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ। और नीचे हम लोग का कमर जो था वो 20 था, तो फिर 4 से डिवाइड करने से 5 होता है, तो उससे भी हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा 7 पे मार्किंग करेंगे। आर्म होल के पास थोड़ा सा गोलाई दे देंगे इस तरीके से। नीचे का लाइन जब हम लोग कट करेंगे तो थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर करके एक्स्ट्रा राउंड शेप में इस जगह पर कट कर लेंगे। बैक का जो गला होगा वो हम लोग का थोड़ा सा डीप होगा, क्योंकि वहाँ पीछे हम चौड़ा पट्टी जैसा फीता लगाएंगे। ऊपर से मैंने 1.5 इंच पे मार्किंग किया, यहाँ नीचे 7 इंच पे। इस साइड से मैं 2 इंच पे मार्किंग करूँगी और इसे मिलाते हुए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा गोल जैसा शेप कर लेंगे। फ्रंट भी ठीक उसी तरीके से हम लोग को करना है। ऊपर से मैं 1.5 इंच पे मार्किंग करूँगी, सामने मैं 3.5 इंच पे मार्किंग करूँगी, साइड से 2 इंच पे, और इसे मिलाते हुए हम लोग फिर से कट कर लेंगे। फिर से मैं कपड़ा को 4 फोल्ड कर लेती हूँ इस तरीके से बचा हुआ कपड़ा को। यहाँ पर मैं प्लीट्स फ्रॉक बनाऊंगी, तो इसीलिए मेरा जितना ज़्यादा कपड़ा रहेगा उतना घेर अच्छा आएगा। लेंथ जो होगा वो हम लोग का 20 इंच होगा, 20 इंच पे मार्किंग कर लेती हूँ। अब मैं स्लीव्स का कपड़ा काटूंगी। स्लीव्स पे भी मैं थोड़ा सा फोल्डेड प्लेट्स दूंगी। इसके लिए मैं यहाँ पर 4 इंच पे मार्किंग कर लेती हूँ सीधा और इसे कट लगा लूंगी। अब बस हम लोग को गला पट्टी चाहिए, तो ये हम लोग का राउंड शेप है, तो इसीलिए मैं तिरछा पट्टी काट रही हूँ। इसे ही जॉइंट्स करके मैं गले का पट्टी लगा लूँगी। यहाँ पर जो पट्टी है इसकी लंबाई 18 इंच है और इसका चौड़ाई 3.5 इंच है, तो इसे हम लोग को 2 पीस चाहिए। इसे मैं बैक नेक में जॉइंट्स करूँगी इस तरीके से, कुछ इसे स्टिच करते हुए जाएंगे। अब मैं इस फ्रॉक का स्टिचिंग करना आप लोग को बताती हूँ। आप लोग देखते जाइए इसे किस तरीके से करना है। बहुत ही इजीली आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पर सेम उसी तरीके से पट्टी लगाएंगे जिस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट में लगाया है। यहाँ तक हो जाने के बाद हम लोग ऊपर का एक पार्ट लेंगे और नीचे का एक पार्ट लेके दोनों को हम लोग उल्टा रखेंगे, ऊपर नीचे और अंदर तरफ सीधा रहेगा। और इस तरीके से कुछ हम लोग
इसके ऊपर से एक एक प्लीट्स को बैठाते जाएंगे। सेम इसी तरीके से और एक पार्ट को भी कर लेना है। अब यहाँ शोल्डर का पार्ट्स को जॉइंट करेंगे। यहाँ तक हो जाने के बाद आर्म होल को हम लोग अच्छे से छाट लेंगे। ऊपर से हम लोग 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ गोलाई देते हुए इस तरीके से इसे कट लगा लेंगे। स्लिप्स को भी ऊपर से इस तरीके से हल्का गोलाई देते हुए नीचे 13 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हम लोग को इतना ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि यहाँ भी हम लोग प्लेट्स बैठाएंगे। नीचे से इसे इस तरीके से स्ट्रेट मोड़ लेना है दोनों को। यहाँ पर एक कट लगा देते हैं, इससे हम लोग को पता चल जाएगा ये मिडिल का पार्ट है और इसे ही हम लोग मेन पार्ट के साथ मिलाते हुए इस तरीके से मिडिल में रख के दोनों साइड को हम लोग जॉइंट्स कर लेंगे। दोनों स्लिप्स को इसी तरीके से लगा लेंगे और उसके बाद उल्टा करके इसे हम लोग मार्किंग करेंगे। आर्म होल के पास हम लोग यहाँ 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और नीचे जो हम लोग कमर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो उससे मैं 1.5 इंच छोड़ छोड़ के स्टिच करूँगी ताकि कमर के पास थोड़ा सा लूज होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से हम लोग सिलाई को सीधा सीधा करते जाएंगे और एक साइड हो जाने के बाद दूसरे साइड को भी इसी तरीके से कर लेना है। नीचे हम लोग इसे फोल्ड करके 1 इंच ऊपर में एक्स्ट्रा छोड़ के इसे इस तरीके से राउंड शेप में कट कर लेंगे और इसे अंदर की साइड से हम लोग मोड़ते जाएंगे। यहाँ पर मेरा फ्रॉक कंप्लीट हो गया तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक फ्रॉक बना है और ये आप लोग भी बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।